नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग आगरा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज विकल कहानियों का शहर लेकर फिर आपके बीच में आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आपको आगरा का किला नज़र आ रहा होगा, लेकिन हमारी आज की कहानी आगरा के किले के ऊपर नहीं है। हमारी आज की कहानी है आगरा किले के सामने एक बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ है, उस स्टैचू के बारे में है। दोस्तों, ये स्टैचू है वीर शिवाजी का, जो 2001 में यहाँ पर लगाया गया था। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि सब जानते हैं कि शिवाजी एक मराठा छत्रप थे, लेकिन शिवाजी का स्टैचू आगरा में मुग़ल किले के आगे क्या कर रहा है? शिवाजी का क्या कनेक्शन है आगे किले के साथ? शिवाजी का क्या कनेक्शन है आगरा शहर के साथ? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो कहानी जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। तो चलिए आज शिवाजी की आगरा से जुड़ी कहानी को देखते हैं। कहानियों का शहर के इस एपिसोड में जुड़े रहिए हमारे साथ। शिवाजी की आगरा से जुड़ी कहानी के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार श्री राजकिशोर शर्मा राजे जी ने अपनी किताब तवारीख आगरा में बहुत विस्तार से इसका वर्णन किया है। सारा मसला कुछ इस तरह से है कि 16वीं शताब्दी में मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने दो तीन बार कोशिश करी अपने आदमियों को भेजकर शिवाजी को अपनी कैद में करने की, लेकिन शिवाजी उनकी गिरफ्त में नहीं आ रहे थे और दक्षिण में शिवाजी का दबदबा बढ़ता चला जा रहा था। ऐसे में 19 जनवरी 1665 को औरंगजेब ने जयपुर के मिर्ज़ा राजा जय सिंह को ये ज़िम्मेदारी दी कि वो शिवाजी को किस तरह से अपने नियंत्रण में लें। राजा जय सिंह ने बड़ी होशियारी से काम लिया। उन्होंने जो शिवाजी के विरोधी थे उन सबको एक साथ इकट्ठा किया और जो शिवाजी के समर्थक थे उनको भी कुछ लालच देकर काफ़ी लोगों को अपने साथ में इकट्ठा कर लिया और शिवाजी को चारों तरफ से घेर लिया। 23 जून 1665 को शिवाजी की पुरंदर दुर्ग में राजा जय सिंह से मुलाकात हुई और उनके बीच में एक संधि हुई। उस संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी को अपने 23 दुर्ग औरंगजेब को देने पड़े और 12 दुर्ग शिवाजी के पास रह गए। उसी बातचीत के दरमियान राजा जय सिंह ने उनको तैयार कर लिया कि आप जाकर आगरा, जो कि राजधानी थी मुग़ल सल्तनत की, आगरा जाकर औरंगजेब से मिलिए। जब राजा जय सिंह ने शिवाजी को उनकी ज़िंदगी की सुरक्षा की गारंटी दी, तब शिवाजी आगरा जाकर औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। शिवाजी अपने 15 साल के पुत्र शंभाजी और करीब 350 सैनिकों के साथ और अपने सौतेले भाई हीरोजी के साथ आगरा के लिए रवाना हो गए। आगरा जब उनका काफिला करीब 2 महीने की लंबी यात्रा के बाद 21 मई उनका काफिला हाथी और लाव लश्कर के साथ आगरा पहुँचा और आगरा में सराय मानिकचंद, जो शहर की सीमा से कुछ 7 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर उनका काफिला पहुँचा। राजा जय सिंह के पुत्र थे राम सिंह। राम सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई कि शिवाजी का वहाँ पर वेलकम किया जाए, स्वागत किया जाए, लेकिन राम सिंह किसी काम में व्यस्त हो गए तो उन्होंने अपने मुंशी गिरधारी लाल को शिवाजी के स्वागत के लिए भेजा, लेकिन वो पहुँचने में विलम्ब हो गया। शिवाजी तब तक वहाँ से चल दिए थे बादशाह से मिलने के लिए। शिवाजी का मन यहाँ पर बड़ा खिन्न हो गया क्योंकि उनको लग रहा था कि आगरा की सीमा पर आने के बाद उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब कोई मिलना नहीं पहुँचा तो वो बहुत नाराज़ थे। वो वहाँ से चल दिए और जैसा कि अभी हमारा आगरा में नूरी दरवाज़ा का क्षेत्र है, वहाँ से बताते हैं कि वहाँ से होते हुए उनका जो काफिला था वो किले की तरफ चला बादशाह से मिलने के लिए, और किनारी बाज़ार की तरफ का वो क्षेत्र था जहाँ पर शिवाजी की मुलाकात राम सिंह से हुई। राम सिंह उनको किले में ले गए बादशाह से मिलाने के लिए। इत्तेफाक की बात है कि उस दिन औरंगजेब का जन्मदिन था। औरंगजेब अपना जन्मदिन मनाने के लिए दीवाने आम में लोगों से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। जब तक शिवाजी वहाँ पहुँचे किले में, तब तक औरंगजेब दीवाने आम छोड़कर दीवाने खास में जा चुके थे। दीवाने खास में जब औरंगजेब का पूरा दरबार सजा हुआ था, सारे खास उनके सब सेनापति और सारे पूरे विशिष्ट लोग उपस्थित थे, वहाँ शिवाजी गए।
चूँकि औरंगजेब का जन्मदिन था तो शिवाजी ने कुछ भेंट उसको दी। औरंगजेब ने उनको बड़ा इग्नोर किया, उनकी तरफ बस सरसरी निगाह से देखा और कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। और वहाँ उनके दरबार में जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लोग खड़े हुए थे, तो वहाँ 5000 मनसब एक होता है, 5000 मनसब की जो कतार थी उसमें शिवाजी को खड़ा कर दिया गया। और शिवाजी के आगे राजा जसवंत सिंह थे। राजा जसवंत सिंह को पहले ही शिवाजी एक युद्ध में हरा चुके थे, तो लिहाजा राजा जसवंत सिंह का कद शिवाजी से काफ़ी छोटा था, लेकिन उसके बावजूद जसवंत सिंह को राजा शिवाजी से आगे खड़ा किया गया। ये बात शिवाजी जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति को बड़ी नागवार गुजरी। उसके बाद बादशाह औरंगजेब ने खिल्लत बांटी वहाँ पे मौजूद सभी लोगों में और पान बांटे, तो वो खिल्लत एक तरह से एक सम्मान होता था, राजा की तरफ से दिया जाने वाला, बादशाह की तरफ से दिया जाने वाला सम्मान था। वो खिल्लत शिवाजी को नहीं दी गई। ये सब चीज़ें देखकर शिवाजी का मन बहुत खिन्न हो गया, क्योंकि मराठा खून था, शिवाजी स्वाभिमानी व्यक्ति थे और किसी भी तरह से अपने आत्मसम्मान से समझौता करने को तैयार नहीं थे, तो वो बहुत नाराज़ थे। पहले तो शहर के बाहर उनका स्वागत नहीं किया गया, फिर 5000 मनसब की कतार में उनको खड़ा कर दिया गया, राजा जसवंत सिंह के पीछे खड़ा कर दिया गया, और उसके बाद राजा बादशाह ने उनको खिल्लत नहीं दी। तो गुस्से में आकर शिवाजी आगे आए और बादशाह की तरफ पीट करके दरबार से बाहर निकलकर एक खंभे की ओट में जाकर बैठ गए। बादशाह औरंगजेब ने ये सारा दृश्य देख लिया और उसने राजा जयसिंह को राम सिंह को भेजा कि जाकर शिवाजी को मनाकर वापस लेकर आओ। जब वो गए तो शिवाजी ने उनसे कहा कि भले मेरा सिर कट जाए, मेरा कटा हुआ सिर ले जाना, लेकिन मैं यहाँ से दोबारा दरबार में नहीं जाऊँगा। फिर बादशाह ने कुछ और लोगों को भेजा खिल्लत लेने के लिए, शिवाजी को बुलाने के लिए, लेकिन तब तक शिवाजी बहुत स्वाभिमान थे, उन्होंने मन बना लिया था कि मुझे अंदर नहीं जाना है। उन्होंने राम सिंह से कहे, जो शब्द थे वो इतिहास में दर्ज हैं, उन्होंने राम सिंह से एक शब्द कहे थे कि तुमने मुझे देखा है, तुम्हारे पिताजी ने और तुम्हारे बादशाह ने मुझे देखा है, मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, क्या मैं ऐसे में दरबार में जाने के लिए तैयार हो जाऊँगा। ये शब्द उन्होंने कहे और तेज़ी से बाहर निकल गए। बादशाह ने राम सिंह से कहा कि शिवाजी को अपनी घर ले जाओ और उनको वहाँ पर जाके ठहरा दो। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा विरोधाभास है, बहुत से लोग ये मानते हैं कि शिवाजी को औरंगजेब ने इसी किले के अंदर कैद कर लिया था और बताया जाता है कि इसमें अभी वो कोठरियाँ हैं जहाँ पर शिवाजी को कैद किया गया था। लेकिन राजकिशोर शर्मा राजे जो कि इतिहासकार हैं, उन्होंने एक RTI दर्ज की थी ASI में और ये सवाल किया था कि क्या ये वही जगह है जहाँ पर शिवाजी को कैद किया गया था। तो उसके जवाब में RTI में ASI ने ये जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कोई पुख्ता सबूत उनको नहीं मिलते हैं कि शिवाजी को यहीं कैद किया गया था। लिहाजा कुछ जगह जिनको माना जाता है कि शिवाजी की जेल थी या कोठरी थी, वो अभी ASI ने उसको प्रतिबंधित कर रखा है, बंद कर रखा है और लाल किले में उस जगह जाने नहीं देते हैं। इस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है। बहरहाल राजकिशोर शर्मा राजे जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि यहाँ से कोठी मीना बाज़ार का जो क्षेत्र है वहाँ पर फिदाई हुसैन की हवेली थी, वहाँ पर शिवाजी को कैद करके रखा गया था। मैं आई कि आपको जो कहानी बताऊँगा उससे भी आपको शायद ये ऐसा उससे आभास होता है कि शायद ये कोठी मीना बाज़ार की ही वो जगह थी जहाँ पर उनको रखा गया था। तो लिहाजा लाल किले तक की शिवाजी की भूमिका यहाँ पर समाप्त होती है। भरे दरबार में शिवाजी ने औरंगजेब के प्रति नाराज़गी का इजहार कर दिया, उसकी तरफ पीट करके बाहर चले गए और उसकी खिल्लत को लौटा दिया। इतना अपमान न करने के बाद ये शिवाजी भी समझ चुके थे कि वो बहुत बड़े संकट में, परेशानी में घिर चुके हैं। औरंगजेब ने उनको नज़रबंद कर दिया। अब यहाँ से शुरू होती है कहानी असली शिवाजी के आगरा प्रवास की, वो कहानी जो आज पूरी दुनिया में फेमस है। शिवाजी की होशियारी, उनकी बहादुरी, उनके निर्णय लेने की क्षमता, उनकी चपलता, इसके चर्चे हमने बहुत सुने हैं, लेकिन इसके आगे की जो कहानी है वो उन बातों को साबित करती है। दोस्तों, इस कहानी को के अगले हिस्से को हम कवर करेंगे अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, इसमें कवर करना पॉसिबल नहीं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अमेजिंग आगरा में, और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आगरा की इस शिवाजी से जुड़ी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि पूरी दुनिया इस कहानी को देख सके। नमस्कार।